बनी फिरन, मैं और तुम मतलब हम साथ में कितने सुंदर दिखते हैं ना, कितने अच्छे लगते हैं। मैचिंग मैचिंग। हाँ तुम्हें पता है बन्नी दुल्हन, तुम्हारे बस्ती में वो दही अंडी देखने के लिए ना युवान के दिल में कुलबुल 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 हो रही है। पता है युवान, हमारे दिल में भी। हाँ? जब भी हमारे बस्ती में दही अंडी होती थी ना, तो दही अंडी के लिए मैं सबसे ऊपर जाती थी और वो माखन की मटकी फोड़ती थी। अरे कितना मजा आवे पता है। सच्ची? हाँ। तो आज जब बन्नी दुल्हन ऐसे मटकी फोड़ेगी ना, तो सबसे जोर से ताली युवान ही बजाएगा ऐसे। फिर तो बन्नी वो माखन की मटकी लाएगी और सबसे पहले युवान को ही खिलाएगी, मारे कान्हा को। युवान? हाँ मम्मा। अरे तुम तैयार भी हो गए? हाँ, युवान ने ना बन्नी दुल्हन के पसंद के कपड़े पहने, अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन युवान मैं सोच रही थी कि तुम ये रेड वाला कुर्ता पहनो, देखो ना इस पे ना मैंने तुम्हारे लिए चंदा मामा भी बनाया है। हाँ। और अगर ये तुम पहनोगे ना तो माँ और बेटा बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो जाएंगे, देखो। ओ, हाँ। माँ बनने का ड्रामा करने के लिए इतनी मेहनत की, इससे अच्छा तो आप दिल से माँ बन जाती। कोई बात ना युवान, परेशान ना हो, इनका लाया हुआ कुर्ता ही पहन लेना। हाँ। क्योंकि बन्नी और युवान तो दिल से मैचिंग मैचिंग है ना। हाँ। है ना? दिल से मैचिंग मैचिंग। मम्मा। हाँ। आज ना बन्नी दुल्हन की बस्ती में ना वो है, वो क्या, दही अंडी, तो हम सब जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल हम चलेंगे ना। ये लो युवान। हाँ। ये कुर्ता पहन के आओ, जाओ। हाँ। बन्नी का चेहरा देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दही हांडी में इसने कुछ प्लान किया हुआ है। दादू, वो मटकी देख रहे हो आप, इतनी ऊंची है, ये तुरंत ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ के उसे फोड़ेगी। मॉम डैड बैंगलोर चले गए, मिले भी नहीं मुझसे। क्या मुझसे अभी भी नाराज है? नहीं बेटा, वो तुमसे नाराज नहीं है, मैंने उन्हें समझा दिया था। लेकिन ध्यान रहे बेटा, नेक्स्ट टाइम किसी की वजह से मुझे कुछ ना सुनना पड़े, ओके? बन्नी कड़े ना दिखाई दे रही, दिख रहे थारे को? हाँ हाँ, थारे को दिख रही है बन्नी? नहीं, पर वो तो अपने से पहले निकल गई थी बस्ती के वास्ते। हाँ निकल तो गई थी दादू। शुद्ध दूध। बन्नी दुल्हन,
मैं अभी आऊँ, अभी आऊँ। दादू पन्नी दुल्हन। तो बस्ती वालों, ये अपने स्पॉन्सर भाई लोगों की वजह से ये बड़ा बड़ा तामझाम हुआ है, तो हाँ भाई साहब बड़ी बड़ी फोटो आनी चाहिए, ठीक है? ये सब दूध वाले का क्या चक्कर है भाई? दादा साहब खर्चे बहुत हो रहे थे ना, और बस्ती के चंदे की बस की बात ना थी, तो मैंने ऐठे कुछ व्यापारियों को हमारा स्पॉन्सर बना दिया, उनका भी नाम और प्रचार हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। ये देखो दादा साहब, ये वो जो डेरी वाले प्रकाश चाचा है ना, उन्होंने हमारे को 20,000 रुपए दिए उनका प्रचार करने के लिए। वाह बन्नी, क्या बोले, वो तू तो पक्की बिजनेस वुमन निकली, बहुत बढ़िया सोचा भाई, बहुत ही बढ़िया। हाँ हेमंत, हाँ ओके। और तो और दादू साहब, अरे हमारे वो त्रिपाठी ज्वेलर वाले हैं, वो तो हमारे से विनती कर रहे थे कि अगर राठौड़ परिवार की कोई बहू या बेटी उनके वो महंगे महंगे गहने पहनकर कोई फोटो वोटो या प्रचार कर देना, तो वो तो 2-3 लाख की रकम देने के लिए रेडी है। हाँ आप में से कोई करना चाहेगा क्या? अरे 3 लाख की रकम कुछ कम हो गए के? बोलो 3 लाख? हाँ बड़े वाह, हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए। बाबू हम साफ साफ बता दे रहे हैं, हम अपने कजिन की शादी में 3 से 4 लाख का तोहफा ही लेकर जाएंगे, समझे? तुम्हारी टीवी नहीं दे रही है तो तुम इंतजाम करो, हमें नहीं पता। किसनड़ा आप लोग इधर आइए, वीआईपी गेस्ट के बैठने का प्रबंध इधर है। गुड बॉय वीआईपी। ऐसे झगड़े अपनी जगह और घर का फायदा अपनी जगह, सोच लो 3 लाख। वैसे तुम अगर अपने ये पति के साथ भी प्रचार करोगी ना, तो 4 लाख तो मैं दिलवा ही दूंगी। 4 लाख? बताओ मुझे सोच के। हाय। नहीं नहीं, विवान की मम्मा बैठेंगी ना यहाँ पे। ओके। ए यू मटके, कम टू मी, लुक एट दिस, जरा साफ करो वीआईपी के लिए। साफ करना? ए बेबी कीचड़ कर गया। बैठो। अरे तू मेरी पैंट गंदी कर दी यार। तेरी फेवरेट पैंट? मैं तुम्हारी पैंट की गंदगी की पड़ी है, हम तुम्हारी इज्जत पे दाग लगने से बचा रहे हैं। इज्जत? सुनो बाबू, हम सुनार की गहने पकड़ के फोटो खिंचा लेते हैं ना, अरे 4 लाख अंदर, और तुम्हारे टीजी के सामने हाथ फैलाने पे ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। अरे बीबी कैसी बातें कर रही हो, एक तो छड़ी सी बस्ती, इसका ज्वेलर कैसा होगा और ज्वेलरी कैसी होगी, और अगर टीजी को पता चल गया ना तो उन्होंने कभी भिखारी से बढ़कर समझाया तुम्हें? आज जब अपना कुछ कमाने का वक्त आया है तो हम क्यों मौका जाने दें? हम ना 50,000 का तोहफा लेके अपने मायके में जाके नाक नहीं कटाने वाले, अच्छे सुन लो प्लीज, अब तुमको ही करना है सब। थारी टीजी ने तो कई बार थारा हलवा बनाया होगा, लेकिन आज ये बन्नी थारा चूरमा बनाएगी और सच बाहर निकलवा के रहेगी। देखो जी, ये कपड़े तो नहीं चलेंगे, वो थोड़े कुछ देसी परंपरा वाले कपड़े पहनने होंगे आपको, वो क्या है ना कि गहनों का प्रचार है ना, इसलिए। सही बात है जी आपकी, है ना बाबू? आप लोग चेंजिंग रूम में चलिए, मैं कपड़े भिजवाता हूँ। चेंजिंग रूम बताना। चलो बाबू। चल रहा। चीची। हंस गया दोनों। जानती थी विष्णुड़ा, पैसा वो गुड़ है जो इन मक्खियों को खींच कर ही लावेगा। आप दोनों का चेंजिंग रूम ये तो टेंट है। वीआईपी चेंजिंग रूम, गुड गुड गुड, पकड़, आजा आजा, हेलो आजा। गुड़ी बाबा गुड़ी बाबा गुड़ी बाबा गुड़ी बाबा। विष्णुड़ा तू विराज संभाल, मैं 4 महीने संभालती हूँ। गुड़ी बाबा लड़कियों के कपड़े? अरे ये तो मर्दों वाले कपड़े हैं। बेबी तुम्हारे पास भी गलत कपड़े आ गए? हाँ बाबू,
मेरे पास भी। अरे ये तो गलत कपड़े हैं। हाँ हाँ, जी जी, बदल देती हूँ ना। ऐसा कीजिए, आप अपने भी कपड़े दे दीजिए। अपने वाले भी? वो अंदर कपड़े रखने की जगह ना होगी, हाँ? दे दीजिए यहाँ पे। अच्छा ठीक है जी। भाई साहब, कपड़े दे दीजिए। हाँ भैया, जनानियों के कपड़े मुझे दे दिए। अरे सॉरी सॉरी, मैं क्या कह रहा था, अपने वाले कपड़े भी दे दीजिए। अपने क्यों? जगह जगह नहीं है ना रखने की। ऐसे यहाँ लटकाने की जगह तो है नहीं। ये लो, लाइए लाइए, इस्त्री करके लाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कौन सा इस्त्री करने ले गया है? हेलो, कपड़े तो दे दो। अरे बाबू, हम फीमेल है ना, हमारे सुनेंगे। रुको, अरे कोई कपड़े दे रहा है कि नहीं? दीदी तुम्हारे पास भी कपड़े नहीं आए? नहीं बाबू। हाय दैया, कपड़े कोई क्यों नहीं दे रहा? मम्मा मम्मा, या मैं मम्मा देखो ना, बहुत जल्दी ना सब कुछ शुरू होने वाला है। वो ऐसे क्यों परे, क्यों परे? मम्मा आपको पता है, मम्मी दुल्हन ऐसे ऊपर चढ़ेगी और मक्की को ऐसे फोड़ेगी और फिर ना हम सब जोर से ऐसे ऐसे क्लैप करेंगे। ठीक है ठीक है। युवान युवान, हाँ? क्यों ना तुम कुछ ऐसा करो कि बनी दुल्हन तुम्हारे लिए जोर जोर से ताली बजाए और उसको मजा आए, ऐसा कुछ? हाँ, हाँ? पर ऐसा क्या करूं मम्मा? मैं बताती हूँ, सुनो मेरी बात। सोनार जी, कपड़े तो दे दो। सोनार तो ना है, लोहार है। पन्नी जिसकी एक ही काफी हो गए, कपड़े तो ना मिलने वाले अब। बन्नी ये सब क्या है, क्या मजाक चल रहा है? कपड़े दो हमारे। हाँ बस भाभी जो, ये क्या मजाक कर रही हो, कपड़े दे दो हमारे। कपड़े तो तब तक ना मिलने वाले जब तक कि तुम दोनों मारे को ये ना बता देते कि उस दिन तारा घर में जब उस मैनेजर के झूठे बॉस ने मारे को और दादो साहब को बुलाया था ना बात करने के लिए, तब अंदर युवान के साथ क्या हुआ? क्या हुआ था हमें क्या पता है ना बेबी? हाँ बाबू, हमें क्या पता। अच्छा ऐसा है कि उस दिन जब तुम दोनों तारा घर गए थे चक्कर मारने, तो उस दिन के थरिकार पार्किंग वाली जो टिकट है ना, वो है हमारे पास। अब तुम दोनों वहाँ भुट्टा खाने तो गए ना होंगे। पन्नी तुम ये सब क्या बोल रही हो, हमें कुछ नहीं पता। देखो मेन्यू कार्ड, बहुत मजाक हो गया, अब कपड़े दो वरना। ऐसा है कि कढ़ाई में पड़ी जलेबी ना धमकी ना दे सके, धमकाने से कुछ ना होगा, अब जो कुछ होगा ना सच बताने से होगा। अब जिस कमरे के अंदर तुम हो ना, उस कमरे के दरवाजे के इस तरफ यहाँ बन्नी है, जो थारे को बाहर तो बिल्कुल ना जाने देगी, और अगर कमरे के उस तरफ का वो पर्दा खुलेगा ना, तो बाहर तो पूरी दुनिया होगी, वो दही हंडी वाली जगह है। और जो मैंने अगर वो पर्दा खोल दिया ना, तो सामने पूरी दुनिया देखेगी, और तुम इस हालत में उनके सामने हाय दैया, और वो क्या कहते हैं, वो थारी तो पॉपी सेम हो जाएगी ना। बस 4-5 लाख कमाने के चक्कर में इस जन्म की इज्जत तो पक्का गई। पर हाँ देवर साहब, थारी वो टीजी क्या कहेगी, क्या सोचेगी वो, जाने वो थारे को अब घर में रहने देगी भी या नहीं। हम बन्नी, तू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, कुछ तो शर्म करो। चार्मी तुम टेंशन ना लो, लड़की की इज्जत की परवाह है हमारे को,
बस थारे को थारे पति की मदद करने से रोकने के लिए ये करना पड़ा है। अरे कोई तो सुन लो, कोई है यहाँ? विराज देवर सा, अब या तो आप मुंह खोलो या मैं पर्दा खोलूं। नहीं 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 नहीं, बन्नी बन्नी मैं बता रहा हूँ। और फिर पूरी दुनिया दही अंडी ना उससे भी बड़ा तमाशा देखेंगे। ए बन्नी, जिसके स्टार होंगे विराज सिंह राठौड़। बाबू क्या करें? अब मुझसे क्या पूछ रही है? तुझे चाहिए था ना 3-4 लाख का तोहफा अपनी कजिन की शादी के लिए, और अपने बाबू की पॉपी शेम करा के ले ले 3-4 लाख रुपए। हमें क्यों कोसे जा रहे हो? अपनी ताईजी को कोसो। अगर उन्होंने पैसे दे दिए होते तो हम यहाँ ना फंसे होते। टीजी का छोड़, ये दरवाजा खुल गया ना तो जिंदगी भर ज़ॉम्बी बन के घूमना पड़ेगा हमें, लालची औरत। देखो अब इस झगड़े से तुम्हारे को ये पता चल गया कि सच तो तुम्हें पता है। अब टाइम पास बंद करो, सीधा मुंह खोलो, वरना मैं अब भी पर्दा खोलती हूँ। ए नहीं नहीं नहीं, बन्नी बन्नी मैं कुछ कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। टिक टिक वन, टिक टिक टू। रुको 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 बन्नी, रुको रुको। हम 100 लोगों के सामने अपने पति परमेश्वर की इज्जत जाते हुए नहीं देख सकते। सही बात है। बेबी बेबी नहीं 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 बेबी। बाबू सॉरी बाबू, हमें सब कुछ बताना पड़ेगा कि तारा घर में क्या हुआ था। नहीं बेबी, चालमी चालमी चालमी, नहीं 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 बाबू, सॉरी बाबू। बन्नी सब कुछ इनके फोन में है। फोन? भाकड़ बिल्ला का फोन? और पासवर्ड? बन्नी फोन का पासवर्ड है? बेबी नहीं नहीं, बेबी नहीं, बेबी नहीं। पैसा, फोन का पासवर्ड है पैसा, जो इनके पास नहीं है। बेबी तू बलवा दिया। चे बात बन्नी, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।